नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। आइए खेलों की खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज। एमएस धोनी के सीएसके की कमान संभालते ही मचा धमाल। सीएसके ने सनराइजर्स हैदराबाद को दी 13 रन से मात। हैदराबाद के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे ऋतुराज। 57 गेंदों में खेली 99 रन की शानदार पारी। फाउंडेशन डे पर गुजराती रंग में नजर आए खिलाड़ी हार्दिक राशिद और कोच नेहरा सहित सभी ने जमकर की मस्ती। हैदराबाद की टीम को लगा बड़ा झटका। गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर फिर हुए चोटिल। अगला मैच खेलने पर बना सस्पेंड। रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने फेंकी आईपीएल सीजन 15 की सबसे तेज गेंद। 154 किलोमीटर प्रति घंटा रही रफ्तार। लखनऊ सुपर जायंट्स ने रोमांचक मुकाबले में दिल्ली को दी 6 रन से मात। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बनाई जगह। आज होगा कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला। कोलकाता के लिए करो या मरो की स्थिति। अंपायर के गलत फैसले से लड़खड़ाई सिंधु की लय। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में झेलनी पड़ी हार। एम्पायर पर जताई नाराजगी। आईपीएल खेलने को लेकर धोनी ने दिया बयान। कहा, मुझे आप येलो जर्सी में ही देखेंगे। सीएसके ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जताई खुशी। 15 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म शाबाश मिठू। तापसी पन्नू निभा रही हैं महिला क्रिकेटर मिताली राज का किरदार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।